पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु पर शुंभा में जानलेवा हमला करने की घटना को ऑल इंडिया मिशन प्रेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण देव यादव ने घोर निंदा किया है तथा जांच के बाद दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पत्रकार एवं उनके परिजनों की जान माल की सुरक्षा करने, समुचित इलाज करने की भी पुलिस अधीक्षक खगड़िया से मांग की है। श्री यादव ने बताया कि पत्रकार प्रवीण प्रियांशु के अनुसार शुंभा गांव में सरस्वती मंदिर के निकट स्थानीय युवक के द्वारा हमला किया गया। इससे पूर्व भी मोटरसाइकिल से धक्का मारा गया, सदर अस्पताल में इलाज हुआ। श्री यादव ने कहा कि आज प्रायः पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जो चिंता का विषय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की जरूरत है तथा पत्रकारों को संगठित होकर एकता और एकजुटता बनाने की जरूरत है। सवेरे 8 बजे हम चौक पर आए, उसी समय अमृत कुमारी है, उसके पति का नाम भूषण चौधरी है, उसका बड़ा पुत्र बिट्टू नाम है, वो आया और गाली देने लगा कि तुम साला मेरे माँ को 6 महीना पहले सस्पेंड कराया, तुमको जिंदगी सस्पेंड करा देते हैं। उसी समय कमर से निकाला एक हथियार के जैसा था और मारा, यहाँ सर पे मारा, उसके बाद शटर फाड़ दिया, रुपया छीन लिया है और बोला लोग जब हम हल्ला किए, लोग जब जुटा तो धमकी देते हुए चला गया कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मेरे माँ को सस्पेंड कराया, तुमको ये सस्पेंड कर दिया। पूर्व में भी 1 सप्ताह पहले वो मोटरसाइकिल से जान मारने का प्रयास किया था, जिसका सूचना हम बहादुरपुर थाना अध्यक्ष को दिए थे, वही बोला कि तुम थाना में सूचना किया है, तुम रोड पे आ जाना मेरे सामने। तुम आज क्या चीज़ से हमला किया? मोटरसाइकिल से था, हम गाड़ी से, हम भी बाइके से थे, हमको रोका, बोला कि तुम थाना सूचना किया, उस दिन तुमको धक्का मार रहे थे, तोरा जिंदगी से मार, मोटरसाइकिल से धक्का मारा? नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, हथियार से मारा है, यहाँ सर पे मारा है, उसके बाद शटर फाड़ दिया है, रुपया छीन लिया है। जैसी कट्टा से हमला किया? हाँ हाँ। कितना रुपया था? 2000 रुपया था पॉकेट में, शटर फाड़ दिया है पूरा और यहाँ मारा है, 2-3 जगह यहाँ फाड़ दिया है, पीछे से मारा है।